सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच आईपीएल का 18वां मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। इस मैच से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, जिसके चलते वो कोलकाता नाइट राइडर्स के आने वाले कुछ मैचों से बाहर हो सकते हैं। आपको बता दें कि आंद्रे रसेल जब किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्हें अपनी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ और इसके बाद वो गेंदबाजी नहीं कर पाए। इस दौरान आंद्रे रसेल मैदान पर उल्टियां करते हुए भी दिखाई दिए। अगर आंद्रे रसेल आने वाले कुछ मैचों से बाहर होते हैं तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक बड़ा लॉस साबित होगा। आंद्रे रसेल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी और फील्डिंग में भी टीम के लिए योगदान देते हैं। वो अब तक आईपीएल 2018 में 6 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 40.75 की बेहतरीन औसत से और 229.57 के शानदार स्ट्राइक रेट से 163 रन बनाए हुए हैं। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।